नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आवारा जानवर फसलों के साथ साथ अब इंसानों के भी जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आवारा जानवरों से टकराकर बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भौमऊ गांव के पास का है, जहां बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जो है बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान कुछ आवारा जानवर वहां पहुंच गए, जिससे उसकी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हमारे बड़े भाई रावली गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे और ये आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम है आपके भाई का? भाई का विशंबर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम घर पे, हमको सूचना मिली तो भाग के आए, तो गाड़ी को फोन किया ये अताब वाली, उसके बाद गए उसे इलाज के लेकर आए। दरअसल एक्सीडेंट का मामला क्या है? हाँ, विश्वम्बर प्रसाद नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 52 साल है, जानवर को बचाने में सर में चोट लगी है, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया। रायबरेली में अवैध कबाड़ की दुकान चल रही है। दुकान पर देश के भविष्य यानी कि नौनिहालों से खुलेआम काम करवाया जा रहा है और बाल मजदूरी करवाई जा रही है। आपको बता दें कि अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाल मजदूरी करते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर चौकी के पास SN अस्पताल के सामने का है। पूरा मामला तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नाबालिग बच्चों से अवैध तरीके से चल रही कबाड़ की दुकान पर मजदूरी करवाई जा रही है, काम करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन बच्चों को शिक्षा से भी वंचित रखा जा रहा है। शिक्षा से जोड़ने के लिए सूबे की सरकार लगातार मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश का बचपन नौनिहाल कबाड़ बिनते नजर आ रहा है। उनसे स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी कराई जा रही है। काम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है, लेकिन अब तक इस पूरे वीडियो पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। झांसी में AIMIM पार्टी के बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली के आह्वान पर महानगर अध्यक्ष बबलू आजाद उर्फ नवी बख्श के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में तहसीलदार को 3 सूत्रीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है। देश के जाने माने AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर हुए हमले की निंदा करते हुए तथा देश के कई प्रांत में हो रहे विशेष समुदाय के लोगों पर अत्याचारों का विरोध करते और आशा की है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस विषय पर ध्यान दें और उचित कदम उठाएं। किन मांगों को लेकर आपने क्या बताया? आज हमने माननीय जिला अधिकारी महोदय को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या हुई है, उस पर जितने भी हत्यारोपी हैं, वो जितने भी दोषी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर NSA की कार्रवाई हो जाए। दूसरी ये कि हमारे जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो सांसद हैं, उनको जो सरकारी आवास मिला हुआ उस पर पथराव हो रहा है सरकार में। ये सरकार सोई हुई है क्या? अगर यही क्या किसी BJP के सांसद के यहाँ हमला होता तो ये बर्दाश्त कर लेते, अब तक तो जो है ना सारे के सारे अरेस्ट हो चुके होते। तीसरा, जो सरकारी जो है ना परमिशन से बांदा की मस्जिद जो कार्यरत थी वहाँ काम हो रहा था। उधर झांसी में ही ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे दबंगों को रोकना एक महिला को महंगा पड़ गया। दबंगों ने महिला को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। घायल अवस्था में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने दबंगों को बचाने के लिए हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। हमारी समस्या यह है कि ग्राम समाज की जगह उसमें दीवार उठा रहे थे, हमने मना किया, सुबह हमको मारने लगे। कौन कौन लोग थे वो लोग? जगत सिंह, उदय भान, पवन, दिलीप और अमलेश और सपना और सौरभ। उधर कानपुर संडेची थाना क्षेत्र में जनता को लूटने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए जानते हैं कि ये क्या पूरा मामला है। सोचिए, जिस पुलिस को आम जनता का मित्र सहयोगी कहा जाता है, जिस आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, अगर वही पुलिस लोगों को लूटना शुरू कर दे तो जनता का क्या होगा? कुछ ऐसा ही मामला संडेची थाना क्षेत्र से सामने आया। आला अधिकारियों ने आम जनता को लूटने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को न केवल निलंबित कर दिया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया है। DCP पश्चिम विजय ढुल ने बताया कि शहर के संडेची थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात सिकंदरा निवासी सत्यम शर्मा अपने घर जा रहा था। उसका आरोप है कि दीपू चौहान ढाबा के समीप खड़े 3 पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। जैसे ही वो रुका तो उप निरीक्षक यतीश कुमार और हेड कांस्टेबल
जोन मुख्यालय में तैनात सादी वर्दी में खड़े थे, तो वहीं सब इंस्पेक्टर रोहित सिंह वर्दी में था। तीनों ही पुलिसकर्मियों ने सत्यम शर्मा को डराया धमकाया, करीब 5.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने गुरुवार सुबह सरीजी थाना में पूरी आपबीती सुनाई है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। आज थाना सचिंडी पर एक शिकायत प्राप्त हुई, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया कि कल दिनांक 22 फरवरी को जब शाम के समय वो वापस अपने घर लौट रहा था, तो थाना सचिंडी क्षेत्र अंतर्गत दीपू चौहान ढाबे के पास 3 पुलिसकर्मियों ने उसको रोका, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में थे और 1 पुलिसकर्मी वर्दी में था, और उसको डरा धमका कर जबरदस्ती उससे 5,30,000 रुपये छीन लिए गए। इस सूचना पर सचिंडी थाने प्रभारी के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें सत्यता पाई गई। उन तीनों पुलिसकर्मियों की पहचान उप निरीक्षक यतीश कुमार, हेड कांस्टेबल अब्दुल राफे, ये दोनों सादे वस्त्रों में थे और वर्तमान में पश्चिम जोन मुख्यालय में तैनात हैं। उसके अतिरिक्त उप निरीक्षक वहीं कानपुर में ही विहिपने दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका पर उनका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का आरोप लगाकर पद से हटा दिया। प्रांत संयोजिका ने दावा किया है कि ये वीडियो उनका नहीं है। मामले की जांच कराने की मांग को लेकर गुरुवार को गोविंदनगर स्थित प्रांत कार्यालय पर भूख हड़ताल पर वो बैठ गई। पूर्व प्रांत संयोजिका ने बताया कि विहिप के प्रांत क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने पद से हटा दिया है। कारण पूछने पर बताया गया कि काशी प्रांत संयोजक ने उनका एक अश्लील वीडियो भेजा है। उनका कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फर्जी वीडियो के आधार पर हटाया गया है। मुझे संगठन के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि मेरा कोई वीडियो कुछ लोग हैं जो वायरल कर रहे हैं, और उस आधार पर अभी मुझे दायित्व पर नहीं रहने के लिए संगठन ने, दायित्व पर मैं नहीं हूँ ऐसी मुझे जानकारी दी थी। जब उन्होंने मुझे ये जानकारी दी तो मैंने उनसे कहा कि भाई पहले वो वीडियो मुझे दिखाया जाए, बताया जाए कि क्या है, मैं भी समझूं कौन है मुझे जो इस तरीके से मेरी प्रतिष्ठा को कर रहा है। तो मैंने जब वो वीडियो मंगाया, वो वीडियो मुझे संगठन के एक व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें ये देख के स्पष्ट था कि वो वीडियो मेरा है ही नहीं, ना तो उसमें मेरी शक्ल है ना वो मेरे नाम से वायरल हो रहा है। तो फिर मैंने संगठन से ये कहा, संगठन के उच्च पदाधिकारियों से ये बोला कि भाई जब इसमें स्पष्ट है, देखने से ही स्पष्ट है कि इसमें मैं कहीं नहीं हूँ। संत कबीर नगर में पीड़ित युवक आत्मदाह करने डीएम कार्यालय पहुंच गया, खुद पर डीजल डालकर माचिस आग लगाने की कोशिश की। पीड़ित ने दबंगों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों के पास न्याय के लिए दर दर ये युवक भटकता रहा। सदर कोतवाली क्षेत्र के मगहर चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने रोकने की कोशिश की और युवक को सकुशल बचा लिया है। वहीं कानपुर के गुजैनी ब्लॉक में रहने वाले अमन गौतम रात में विवाह कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी रास्ते में स्थित सिटी हॉस्पिटल से पहले कुछ दबंगों ने रोक लिया और पैसे मांगने लगे। पैसे ना होने के कारण जब पीड़ित अमन गौतम ने उन्हें मना कर दिया तो ये लोग उन्हें गाली गलौज करने लगे, जाति सूचक शब्द बोलने लगे। जब इस बात का विरोध पीड़ित अमन ने किया तो वे लोग अमन को बड़ी ही बेरहमी से पीटने लगे। जब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा तो दबंगों ने अमन की गाड़ी का पीछा कर टक्कर मार दी, जिससे कि पीड़ित अमन वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। वही कासगंज पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में दंगा नियंत्रण योजना का रिहर्सल किया गया, जिसके अंतर्गत जनपद के थानों और अन्य शाखाओं में कार्यरत पुलिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा सर्वप्रथम पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया गया। वही इस दौरान शस्त्रों का सिखलाई सत्र चलाया गया है। इसमें दंगा निरोधी सभी शस्त्रों की जानकारी दी गई और सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को शस्त्रों का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज, समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी कासगंज, थाना प्रभारी सोरो, थाना प्रभारी सिकंदरपुर वैश्य, थाना प्रभारी आमापुर, थाना प्रभारी पटियाली और प्रभारी महिला थाना एवं चौकी, हल्का प्रभारी जनपद से करीब 15 निरीक्षक, 26 उप निरीक्षक, 78 हेड कांस्टेबल, 100 आरक्षी, महिला आरक्षी और फायर सर्विसेज कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध के घर के अंदर मौत हो गई। परिजन गोली अथवा भाला मारकर हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। सूचना पर एसपी मौके पर पहुंचे, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा कि मौत कैसे हुई है। ये ग्राम सकरौली है थाना लोनार में, इसमें आज सुबह एक वृद्ध मोतीलाल मिश्रा इनकी डेड बॉडी मिली है, जिसमें सर में इंजरी है।
किसी शार्प वेपन की या किसी तरह से सर में ही हमला किया गया है। इसके बारे में परिजनों द्वारा किन्हीं लोगों पर शक किया गया है और पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई अभियोग पंजीकृत करके की जाएगी। संबल में अनोखा मंदिर है जहां मिट्टी चढ़ाने से कुलगुरु प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नवविवाहित शादी जोड़े यहां दुल्हन के रूप में पूजा अर्चना करती हैं। जनपद संबल के थाना नखासा क्षेत्र के गांव भारतल सिरसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे अनोखा मंदिर स्थित है। यहां पर किसी प्रकार का कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, बल्कि दो मुट्ठी यहां पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। वहीं फरुखाबाद में आरटीओ परिवर्तन की लापरवाही से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज बस कलर की रोडवेज बस स्टॉप के बाहर खड़ी बसों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। रोडवेज कलर की बसें यात्रियों को गुमराह कर दिल्ली के लिए बिठाती है। फरुखाबाद के कायमगंज रोडवेज बस स्टॉप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं बांदा में पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अज्ञात महिला के शव की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। मबिरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि खेतों में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। थाना बबेरू के मुरवल क्षेत्र में एक अज्ञात महिला के शव मिलने की सूचना पर हम सभी अधिकारीगण तथा फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे हैं। अभी जो देख के लग रहा है प्रेमा फिर से गला दबा के मारने की बात समझ में आ रही है। अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है, जिसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बॉडी को मॉर्चरी भिजवा के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार छात्र सहित तीन युवकों को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठकर हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायल छात्र का इलाज अस्पताल में जारी है। थाना बहजोई सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मिर्जापुर के पास में बहजोई कस्बे के ही रहने वाले एक बाइक पे तीन सवार लड़के जा रहे थे, जिनमें संभवतः एक पेपर दिलाने के लिए उनको लेके जा रहे थे। उस घर से आती हुई एक कार के द्वारा उनका एक्सीडेंट हो गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है, मानवीय दृष्टिकोण से तत्काल ही उनको हॉस्पिटल भेजा गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अस्पताल में दौरान इलाज एक अन्य लड़के की भी मृत्यु हो गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम सर राजकुमार है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ और कितने लोग इसमें? सर एक बाइक पे तीन लोग थे, ये पेपर देने जा रहे थे वहाँ पे हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे थे। और मिर्जा बहजोई से थोड़ा सा आगे निकल के मिर्जापुर के पास में एक्सीडेंट हुआ है एक थी फोर व्हीलर से। अच्छा, हाँ, इसमें सर दो की डेथ हो गई है, अजय और योगेश की। सर एक की हालत से अभी सीरियस है। क्या नाम है उसका जो सीरियस है? रितिक। वहीं उन्नाव में खाकी के करतूत ने पूरे पुलिस विभाग को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया। यहां एक स्लॉटर में दो कर्मचारी की दर्दनाक मौत पर कार्रवाई की जगह पुलिस विभाग ने सीओसीटी आशुतोष कुमार ने ऐसा पेचकस तैयार किया है कि अब वही पेचकस सीओसीटी के गले की फांस बन गया है। पहले आपको सीओसीटी आशुतोष कुमार का बयान भी सुनवाएंगे, इसके बाद हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिजनों और फैक्ट्री प्रबंधक के सुलह समझौते वाले हलफनामे पर गौर फरमाइए कि साहब सीओसीटी ने ऐसा खेल किसके दबाव में कर दिया। जी हाँ, आपको ये पूरा वाक्य समझाते हैं। दरअसल 22 फरवरी 2023 के दिन बुधवार रात के वक्त रूस्तम सॉल्टर हाउस में फैक्ट्री प्रबंधक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सभी आदेशों को दरकिनार कर दो कर्मचारियों को बिना सेफ्टी सुरक्षा के सेफ्टी टैंक में उतार दिया, जिससे जहरीली गैस उतरते ही दम घुटने से दोनों कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। लिहाजा घटना की सूचना पर सीओसीटी आशुतोष कुमार समेत भारी पुलिस पर मौके पर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों को पुलिस पर भरोसा था शायद अब स्लॉटर प्रबंधन पर कार्रवाई तय हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
रसूख के चलते, अवैध कार्य के चलते परिजनों की आवाज़ को पुलिस सेटिंग ने 5-5 लाख के मुआवजे में कार्रवाई दफन कर दी। और यही नहीं, परिजनों को भी लगा कि पुलिस स्लॉटर प्रबंधन के साथ खड़ी हो चुकी है। शायद इसलिए सीओ सिटी ने बिना कुछ सोचे समझे स्लॉटर प्रबंधन के पक्ष में उतर गई और स्लॉटर के सेफ्टी टैंक में एक भी पेचकस गिरने का मास्टर प्लान तैयार कर दिया। लिहाजा पुलिस के बयान को स्लॉटर प्रबंधक ने झूठा करार दिया है और स्लॉटर प्रबंधन ने भी माना है कि दोनों कर्मचारियों की मौत की वजह सेफ्टी टैंक ही है। आज 8-9-10 साल से काम कर रहा है और उसको आश्वासन देते थे कि हम परमानेंट करेंगे और ठेकेदारी में रखा, और वो दो लड़कियां गोद लिए था बड़े भाई की, वो दोनों ख़त्म हो गए मियां बीवी, गोद इसने ले लिया। ये उनको पढ़ाना लिखाना और सेवा सत्कार खर्चा पानी सब यही बच्चा मेरा करता था छुन्नू। ये लोग मतलब मौत हुई है 2 बजे की ड्यूटी थी और वहाँ पर जाकर के काम रोजीना 2 बजे की ड्यूटी थी, एक हफ्ते 2 बजे से 1 बजे से 6 बजे से सुबह, तो वो टैंक में उतार दिया। सेफ्टी कुछ नहीं था, मतलब टैंक में उतारने के सरकार के नियम है कि उनको सेफ्टी गार्ड पहना करके टैंक में उतारा जाए, क्या कुछ पहनाया जाता है? जी नहीं, अक्सर होता है तो क्या करते हैं ये लोग? ये अक्सर ये एक मतलब कि हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, सेफ्टी कुछ नहीं करते हैं। ऐसे उतारा गया वहीं पर इनकी मौत हो गई। आप लोगों को कब पता चला? अभी शाम को 7 बजे। थाना क्षेत्र सही के औद्योगिक क्षेत्र में रुस्तम साकेत हाउस में आज शाम को ईटीपी प्लांट के टैंक में काम करते समय पेचकस गिर जाने से उसमें एक मजदूर छन्नू सनाफ कन्हैया लाल निवासी इब्राहिमाबाद पेचकस निकालने के लिए घुसा, निकल रहा था तभी अचेत होकर गिर पड़ा। उसको निकालने के लिए दूसरा मजदूर राहुल सना पोतीलाल उसमें घुसा। वहीं अलीगढ़ में कटर के चपेट में आकर किसान की दर्दनाक मौत हो गई। कटर से सरसों निकालते हुए दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना पाली मुकिमपुर क्षेत्र के गांव चंदियाने की पूरी घटना बताई जा रही है। मेरा नाम लालू यादव, चंदन रामपुर, मेरा भाई भाई है जी बहुत ही बड़ा। क्या नाम है इनका? नीटू। कैसे क्या हुआ? कटर चल रही थी उसमें आगे भाई, ये लाल काल के समय कदमूठा लगाते हैं ना, उसकी चपेट में आ गए। अच्छा, तो फिर क्या मतलब कहाँ ले गए? ये छर्राम सरकारी मेडिकल में। क्या नाम था भाई? नीतेश। उम्र क्या होगी? उम्र होगी 30-32 के करीब होगी। आगरा में भू माफियाओं के अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला है। सरकारी अस्पताल की जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था। खैरागढ़ एसडीएम अनिल कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया। एसडीएम की कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार बाबा का अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। खैरागढ़ एसडीएम अनिल कुमार सिंह नायब तहसीलदार पुलिस पर मौके पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि 3 दिवसीय प्रदर्शनी रायबरेली के सदर तहसील में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया है और रोशनी का अवलोकन भी किया। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तार से प्रदर्शनी में दिखाया भी गया है, साथ ही लोगों को समझाया भी गया। लोगों को यहाँ तहसील में लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले कि शासन द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन से काम किए जा रहे हैं लाभार्थियों के हित में, और इसमें हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के जो पात्रता के मानक हैं वो भी उल्लिखित किया है, ताकि जो लोग आए उन्हें पूरी जानकारी मिले और शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का वो पूरा लाभ उठा सके। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।